वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 21 सेकंड के रिप्रोडक्शन के बारे में, एंड रिप्रोडक्शन भी स्पोर्ट्स के थ्रू कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड इन स्पोर्ट्स से फिर गैमेटोफाइट बनता है, उन सब टॉपिक्स के बारे में हम अपकमिंग वीडियोज में डिस्कस करेंगे। तो स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो जो स्पोर्ट्स होते हैं ये स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर में देखें तो ये जो स्ट्रक्चर्स दिखाए हुए हैं ये स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे कॉन्स के या फिर स्ट्रोबिलाई के। अब ये कॉन या फिर स्ट्रोबिलाई होती है या तो ये जो वेजिटेटिव शूट होती है उसके ऊपर टर्मिनली ग्रो कर सकती है, या तो स्पेशल टाइप के यहाँ पे अलग टाइप की स्पेशल फर्टाइल शूट होती हैं उनके ऊपर ग्रो करती है। एंड ये जो फर्टाइल शूट्स होती हैं वो शॉर्ट लिव्ड होती हैं। जैसे ही स्पोर्स शेड होंगे, उनका डिहाइसेंस हो जाएगा स्पोरेंजियम का, वैसे ही ये डाई ऑफ हो जाएंगी। तो ये होती है यहाँ पे कॉन्स या फिर स्ट्रोबिलाई। अब इक्विसेटम जो होता है ये होमोस्पोरस होता है। होमोस्पोरस का मीनिंग है होमो मीन्स सेम, यानी कि इसके अंदर सेम काइंड की या फिर अलाइक स्पोर्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो ये स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन है, या तो ये वेजिटेटिव शूट के ऊपर हो सकते हैं या तो ये स्पेशल फर्टाइल कॉन्स के स्पेशल फर्टाइल शूट के ऊपर बोर्न हो सकती है। अब स्ट्रक्चर में अगर हम देखें यहाँ पे ये छोटे छोटे इसके अंदर ये आउट ग्रोथ्स नजर आ रही है, जो ब्लैक कलर की है ये छोटी छोटी इसके अंदर आउट ग्रोथ्स नजर आ रही है। इन आउट ग्रोथ्स को स्प्रिंजियो फोर्स बोला जाता है। तो स्प्रिंजियो फोर्स क्या करते हैं, कंपैक्ट होके या फिर हम बोल सकते हैं इकट्ठे होके, अक्यूमुलेट होके स्ट्रोबिलाई और कॉन्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्प्रिंजियो फोर क्या करते हैं, इकट्ठे होकर स्ट्रोबिलस और कॉन की फॉर्मेशन करते हैं। ये स्प्रिंजियो फोर्स स्प्रिंजिया बियर करते हैं अपने अंदर, एंड इन स्प्रिंजिया के अंदर फिर स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। ये एक और थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है यहाँ पे कोन का, ये बीच में यहाँ पे एक्सिस हो गया, और ये जो हमने आउट ग्रोथ्स की बात की थी ये छोटी छोटी ये आउट ग्रोथ्स ये वाली ही होती है, इनको हम स्प्रिंजियो फोर बोलते हैं। स्प्रिंजियो फोर के अंदर यहाँ पे बीच में अगर हम देखें ये स्प्रिंजियम होता है, इन स्प्रिंजियम के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स पाए जाते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन स्ट्रोबिलस और कॉन का स्ट्रक्चर, कैसे डिवेलपमेंट होती है एंड मेच्योर स्पोरेंजियम, एंड देन कैसे डिहाइसेंस इनकी होती है स्पोर्स की। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, ये एक फर्टाइल शूट है। फर्टाइल शूट के टर्मिनल पोर्शन के ऊपर यहाँ पे स्ट्रोबिलस या फिर कॉन नजर आ रही है। कॉन के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर है, जैसे कि स्प्रिंजियोफोर और स्प्रिंजिया और स्पोर्स पाई जा रही हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे कुछ स्पीसीज के अंदर यहाँ पे स्केल लाइक आउट ग्रोथ्स नजर आती है, एंड इन स्केल लाइक आउट ग्रोथ्स को एनुलस बोला जाता है। ठीक है, कुछ स्पीसीज के अंदर ये देखी जाती है। इसके अलावा इसके अंदर फर्टाइल ब्रांच हो गई, ये नोड हो गई एंड ये इंटरनोड हो गई। ये ट्रांसवर्स सेक्शन है यहाँ पे स्ट्रोबिलाई का, और ये यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है यहाँ पे स्ट्रोबिलस का। तो स्ट्रोबिलस के ट्रांसवर्स सेक्शन की अगर बात करें, बीच में यहाँ पे स्ट्रोबिलस का एक्सिस ये हो गया। ठीक है, एक्सिस हो गया यहाँ पे। इसके बाहर यहाँ पे जो है ये पाए जाते हैं यहाँ पे स्प्रिंजियोफोर। स्प्रिंजियोफोर के अंदर ये जो है ये एक डिस्क होती है जिसको पेल्टेट डिस्क बोला जाता है। ये स्प्रिंजिया हो गई यहाँ पे, और ये जो डिस्क होती है इसको पेल्टेट डिस्क बोला जाता है, और ये एनुलस यहाँ पे होगा जो कुछ स्पीसीज के अंदर देखा जाता है। ये एक स्पोरेंजियो फोर है विद स्प्रिंजिया, ये इसके अंदर स्प्रिंजिया है, ये स्पोरेंजियो फोर हो गया जो कि एक स्ट्रोक्ड स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पे इसके डिस्टल एंड के ऊपर पाई जाती है ये एक डिस्क जिसको पेल्टेट डिस्क बोला जाता है। तो स्प्रिंजियो फोर क्या है, एक स्ट्रोक्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल पेल्टेट डिस्क होती है इसकी डिस्टल एंड के ऊपर। एट अंडर साइड, अब नीचे की तरफ अगर हम देखेंगे, नीचे की तरफ यहाँ पे स्प्रिंजियो फोर डिस्क होती है। 5 to 10 सैक लाइक स्प्रिंजिया यहाँ पे बोर्न होती है नियर इट्स पेरिफ्री इन आर रिंग। एक रिंग के अंदर ये पेरिफ्री के ऊपर यहाँ पे क्या हो जाते हैं, 7 to 10 सैक लाइक स्प्रिंजिया बोर्न होते हैं इस स्प्रिंजियो फोर के अंडर साइड, यानी कि नीचे की साइड के ऊपर। तो ये स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे स्ट्रोबिलस और कोन का। इसके बाद स्प्रिंजियम की डिवेलपमेंट कैसे होती है, ठीक है, स्प्रिंजियम कैसे डिवेल्प होगा इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम देखें यू स्प्रिंजी टाइप की डिवेलपमेंट होती है, यानी कि स्प्रिंजियम डिवेल्प होता है फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ इनिशियल।
एक ग्रुप ऑफ इनिशियल होता है, मैनी सेल्स होती हैं, उनसे यहाँ पे स्प्रिंजिया डिवेलप होता है। इस टाइप की डिवेलपमेंट को यूस्प्रिंजिएट टाइप की डिवेलपमेंट बोला जाता है। एक लेप्टोस्प्रिंजिएट भी होती है। लेप्टोस्प्रिंजिएट के अंदर सिर्फ सिंगल एक सेल से ही, सिंगल इनिशियल सेल से पूरा का पूरा स्प्रिंजियम की डिवेलपमेंट होती है। अब यहाँ पे यूस्प्रिंजिएट के अंदर क्या है, ग्रुप ऑफ इनिशियल से डिवेलपमेंट होगी। एंड इस ग्रुप ऑफ इनिशियल में से भी जो आउट जो इनर सेल होगी, इनर सेल क्या करेगी, आगे जाके स्पोरोजिनियस टिश्यू की फॉर्मेशन करेगी। एंड इस स्पोरोजिनियस टिश्यू फिर स्पोर मदर सेल एंड देन स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। इससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हमने ये बात की है कि कैसे ये अंडर साइड आ जाते हैं, जो ये स्प्रिंजियो स्प्रिंजिया है ये अंडर साइड कैसे आते हैं, नीचे की तरफ कैसे आते हैं, तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे। यानी कि जो स्प्रिंजिया है, स्प्रिंजियो फोर के अंदर अपनी पोजीशन को शिफ्ट करता है। यहाँ पे अगर हम देखें स्ट्रक्चर में, तो ये स्प्रिंजियो स्प्रिंजियल इनिशियल है, ये स्प्रिंजियो फोर का प्राइमोर्डियम है। इसके बाद इसके अंदर एक कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे लगी और ये जो पार्ट है इसके अंदर ज्यादा यहाँ पे ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई। जो सेंटर है एपिकल डोम का, ये एपिकल डोम हुआ, एपिकल डोम के सेंटर के अंदर ज्यादा ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से ये एक्सपेंड हो गया। और एक्सपेंड होने की वजह से जो स्प्रिंजिया है यहाँ पे, ये पेल्टेड डिस्क है, ये क्या हो जाती है, पुश हो जाती है मार्जिन की तरफ, जिसकी वजह से जो स्प्रिंजिया है वो क्या हो जाएंगे, पहले इधर साइड थे वो धीरे धीरे करके नीचे की साइड या फिर अंडर साइड आ जाएंगे, अप साइड से या नीचे की साइड आ जाएंगे। तो स्प्रिंजिया आर इनिशिएटेड नियर द सेंटर, नियर द सेंटर ये स्टार्ट हुए थे ऑफ द एपिकल डोम ऑफ द स्प्रिंजियो फोर, बट लेटर द डोम एक्सपेंड। ठीक है, डोम क्या किया, डोम ने एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ पे लेटली एक्सपेंड करेगा ये। ठीक है, लेटली एक्सपेंड करेगा और धीरे धीरे करके ऐसे नीचे की तरफ ये पोर्शन आता जाएगा। तो ये एक्सपेंड क्यों करेगा, ड्यू टू रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डोम। डोम के सेंट्रल पार्ट के अंदर रैपिड ग्रोथ हो रही है, जिसकी वजह से लेटली ये क्या कर रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ झुकता जा रहा है। एंड सच अ एज सच द स्प्रिंजिया आर पुश टू द मार्जिन, एंड ये मार्जिन की तरफ पुश कर दिया जाता है। एंड फाइनली टू द अंडर साइड ऑफ द पेल्टेड डिस्क, एंड फाइनली ये स्प्रिंजिया क्या हो जाता है, अंडर साइड आ जाता है, यानी कि ये लेटरल साइड से नीचे की तरफ आ जाता है पेल्टेड डिस्क। अब यहाँ पे अगर हम देखें कि कैसे यहाँ पे स्पोर्स एंड स्प्रिंजल वॉल की डिवेलपमेंट होती है, तो यहाँ पे हमने बात की थी कि ग्रुप ऑफ इनिशियल से यहाँ पे स्प्रिंजियम की डेवलपमेंट होती है। इस ग्रुप ऑफ इनिशियल को सुपरफिशियल इनिशियल बोला जाता है, या फिर इसको स्प्रिंजियल इनिशियल भी बोलते हैं। ये सुपरफिशियल इनिशियल पेरिकलाइनल डिवीजन शो करेगा। ड्यू टू दिस पेरिकलाइनल डिवीजन यहाँ पे आउटर एंड इनर डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। आउटर डॉटर सेल क्या करेगी, एंटीक्लाइनल एंड पेरिकलाइनल डिवीजन करके 2 to 7 layered स्प्रिंजियल वॉल की फॉर्मेशन कर देगी। एंड जो इनर डॉटर सेल थी वो रिपीटेड डिवीजन करेगी ऑल पॉसिबल प्लेन्स के अंदर, जितने भी पॉसिबल प्लेन बनेंगे यहाँ पे उनके अंदर रिपीटेड डिवीजन करेगी एंड स्पोरोजीनियस टिश्यू की फॉर्मेशन कर देगी। अब ये स्पोरोजीनियस टिश्यू फिर स्पोर मदर सेल की यानी एसएमसी की फॉर्मेशन करेगा। स्पोर मदर सेल में से जितने भी स्पोर मदर सेल्स हैं उनमें से 30% स्पोर मदर सेल्स डिसइंटीग्रेट होके पेरी प्लाज्मोडियल फ्लूड की फॉर्मेशन कर देती है। एंड जो बच गई हैं, रिमेनिंग स्पोर मदर सेल एक्टिव होती हैं एंड इनके अंदर मियोसिस होगी। मियोसिस होने के बाद ये हैप्लोइड स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देंगे। एंड ईच स्पोर मदर सेल क्या करेगी, 4 हैप्लोइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगी, 4 हैप्लोइड स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देती है। और जो 2 to 7 layered स्पोरेंजियल वॉल थी, स्पोरेंजियल वॉल की इनर मोस्ट वॉल जो है ये टैपेटम की तरह एक्ट करेगी, इसको टैपेटम बोला जाता है। और ये जो टैपेटम है ये क्या करेगी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। और जो आउटर वॉल है वो डिहाइसेंस में हेल्प करती है स्पोरेंजियल वॉल की। अब इनमें से 2 to 7 wall में से जो कुछ वॉल्स है, जैसे कि 2 outermost वॉल लेयर है, वो डिसइंटीग्रेट होके पेरी प्लाज्मोडियल फ्लूड की फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ पे पेरी प्लाज्मोडियल फ्लूड बन गया है जिसके अंदर ये स्पोर्स तैरते हैं। ठीक है, स्पोर्स फ्लोट करते हैं उसके अंदर। तो ये इस वे में यहाँ पे स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है।
सबसे पहले सुपरफिशियल इनिशियल था जिसके अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन की वजह से आउटर एंड इनर डॉटर सेल की फॉर्मेशन हुई। आउटर सेल ने क्या किया, एंटीक्लाइनल एंड पेरिक्लाइनल डिवीजन शो करके 2 to 7 लेयर स्परिंजियल वॉल की फॉर्मेशन कर दी, जिसमें से इनर मोस्ट वॉल को टेपेटम बोला जाता है। आउटर वॉल्स जो होगी वो डिहाइसेंस में हेल्प करेगी और इसमें से 2 आउटर मोस्ट वॉल लेयर क्या करेगी, डिस इंटीग्रेट होकर पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूड की फॉर्मेशन कर देगी। एंड जो इनर डॉटर सेल है वो रिपीटेड डिवीजन करेगी इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स एंड फॉर्म स्पोरोजीनियस टिश्यू। ये स्पोरोजीनियस टिश्यू फिर स्पोर मदर सेल की फॉर्मेशन करेगा। स्पोर मदर सेल में से 30% स्पोर मदर सेल डिसइंटीग्रेट होके पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड की फॉर्मेशन कर देंगी एंड जो रिमेनिंग बच गई हैं वो एक्टिव होके म्योसिस करेंगे। म्योसिस के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्पोर्स की फॉर्मेशन हो जाएगी एंड एक स्पोर मदर सेल 4 हैप्लोइड स्पोर्स की फॉर्मेशन करेंगी एंड ये स्पोर्स पेरिप्लाज्मोडियल फ्लूइड के अंदर फ्लोट करेंगे। अब इसको अगर हम डायग्रामेटिकली देखें तो डायग्रामेटिकली में यहाँ पे स्परिंजियल इनिशियल थे, स्परिंजियल इनिशियल के अंदर यहाँ पे डिवीजन होनी स्टार्ट हुई आउटर डॉटर सेल एंड इनर डॉटर सेल के अंदर। अब यहाँ पे इनर डॉटर सेल फर्दर क्या करके डिवाइड करके रिपीटेड डिवीजन करके स्पोरोजीनियस सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगी एंड आउटर डॉटर सेल्स हैं जैकेट वॉल या फिर हम बोल सकते हैं स्परिंजियल वॉल की फॉर्मेशन कर देगी। अब स्पोरोजीनियस सेल फिर से और डिवाइड करके यहाँ पे फाइनली क्या कर देंगी, स्पोरोजीनियस टिश्यू की फॉर्मेशन कर देंगी जो आगे जाके क्या करेंगे, स्पोर मदर सेल्स की फॉर्मेशन कर देंगी एंड इनके अंदर म्योसिस जब होगी तो ये स्पोर्स की फॉर्मेशन कर देंगी। ये पेल्टेट डिस्क हो गई यहाँ पे स्परिंजियो फोर की, ये नीचे अंडर साइड में ये स्पोरोजीनियस या फिर स्परिंजियो फोर या फिर हम बोल सकते हैं स्परिंजिया यहाँ पे पाई जा रही है। इसके बाहर ये जैकेट लेयर होती है तो ये एक मेच्योर स्पोरेंजियम हो गया। मेच्योर स्पोरेंजियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि अंडर साइड ऑफ द पेल्टेट डिस्क से अटैच होता है स्परिंजियो फोर की। 2 लेयर्ड वॉल इसके अंदर पाई जाती है एंड इसके अंदर जो स्पोर्स होंगे वो सारे कैसे होंगे, अलाइक होंगे, यानी कि हमने पहले ही देखा था कि इसके अंदर कंडीशन पाई जाती है होमोस्पोरस, यानी कि अलाइक या फिर एक ही काइंड के स्पोर्स यहाँ पे पाए जाते हैं तो सारे स्पोर्स यहाँ पे अलाइक होते हैं यानी कि होमोस्पोरस कंडीशन की वजह से। अब इस स्परिंजिया की डिहाइसेंस होगी तो जैसे ही स्परिंजिया मेच्योर होगा स्ट्रोबिलस एक्सिस की इलोंगेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। इलोंगेशन की वजह से जो स्परिंजियो फोर है वो सेपरेट हो जाएगा एंड स्परिंजिया एक्सपोज हो जाएगा। इसमें से स्परिंजिया एक्सपोज होने के बाद यहाँ पे ये ड्राई होएगा, फिर ये रप्चर हो जाएगा। रप्चर होने के बाद इसमें से स्पोर्स निकलेंगे, स्पोर्स आर स्फेरिकल यूनि न्यूक्लिएट स्पोर्स यहाँ पे निकलेंगे एंड इन स्पोर्स के बाहर 4 लेयर्स पाई जाती है। सबसे बाहर यहाँ पे पाई जाती है पेरिस्पोर, फिर मिडल लेयर होती है, इसके बाद एक्सोस्पोर होती है एंड एंडोस्पोर होती है। तो ये स्पोर्स फिर क्या करेंगे, जर्मिनेशन शो करेंगे। जर्मिनेशन शो करने के बाद ये गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन करेंगे। होमोस्पोरस कंडीशन है तो एक ही टाइप के यहाँ पे गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी। गैमेटोफाइट बनने के बाद इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स की डिवेलपमेंट होगी। सेक्स ऑर्गन की फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी, देन यहाँ पे एम्ब्रियो की डिवेलपमेंट होगी, फिर से यहाँ पे यंग स्पोरोफाइट बनेगी। तो ये हम अपकमिंग वीडियोस के अंदर ये स्टेजेस डिस्कस करेंगे। तो स्पोर यहाँ पे बन चुके हैं, स्पोर से स्पोर की कैसे जर्मिनेशन होगी, कैसा स्पोर का स्ट्रक्चर होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।